हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स जेईई मेंस रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक डे बाय डे आगे कवर करते हुए चल रहे हैं। बस उसी के अकॉर्डिंग आज जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, किसी भी प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप की जो भी एनर्जीज चेंज हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वो अलग अलग टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं, उनको हम इस टॉपिक में किसी भी प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चेंज होता है उस प्रोसेस की एनर्जी चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब इस पूरे टर्म को समझने के लिए कुछ पूरे चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है उनके बारे में आपको आइडिया होगा ही, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम के बारे में बात करते हैं, फिर सराउंडिंग्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में सही स्टार्ट कर लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, सबसे पहला प्रोसेस हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर चेंज एक ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं है। तो टेम्परेचर चेंज अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऐसे प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज भी हम जीरो कंसिडर करते हैं। सेकेंड वन प्रोसेस लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर डेल्टा पी वैल्यू जीरो, प्रेशर चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड वन आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम डेल्टा वी जीरो, वॉल्यूम चेंज अगर नहीं होगा तो वर्क डन भी जीरो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ वन एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें क्यू हीट एक्सचेंज जीरो कंसिडर करना होता है, हीट एक्सचेंज जीरो है। इस पर्टिकुलर केस के लिए डेल्टा ई वर्क डन के इक्वल कंसिडर करना होता है। ग्राफिक पीवी ग्राफ में इन चारों प्रोसेस को पीवी ग्राफ में इनके चारों प्रोसेस को कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अगर प्रोसेस कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई प्रोसेस में चेंज आया है प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस कैसा होगा, ये आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट मेंटेन है, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। इस गेट क्या डिनोट करेगा, एसी कोई एक प्रोसेस है जिसमें ए से सी या सी से ए में चेंज हुआ है, तो ऐसा एक प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट करेगा जबकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में बात की हम लोगों ने, बेसिकली इसके जो और टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ये सब्सटेंस की क्वांटिटी पर ऐसी प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी अगर कोई सब प्रॉपर्टी है तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए आप टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है, प्रेशर ले सकते हैं, मोलर इंथैल्पी ले सकते हैं, मोलर इंथैल्पी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ले सकते हैं, अब ये डिसाइड कैसे करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो ऐसी कोई भी किसी सिस्टम की एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो रेशियो में एक्सप्रेस की जाती है, पर मोलर, पर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो भी सारे क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जितने भी हैं वो सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि वो भी पर लीटर वॉल्यूम या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो दैट मीन्स जो भी ऐसी वैल्यूज हैं, जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो से बनी है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे प्रेशर के लिए हम लोग फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी एक रेशियो वैल्यू है, जिस रेशियो वैल्यू हमारी आएगी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, जिस तो ऐसी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है, ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होगा। आगे तो ऐसे ही एक इंटेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसी का अपोजिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी। अब इसमें आप ले सकते हैं कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मास ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, एंथैल्पी ले सकते हैं, एंट्रोपी ले सकते हैं, एंट्रोपी ले सकते हैं। तो ये सारे टर्म एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन विच डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, विच डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। इसमें केवल इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन कंसिडर होती है, जो इनिशियल किसी भी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल कंडीशन को के बेसिस पर जो प्रॉपर्टी एक्सप्रेस की जा सकती है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन जो बेसिकली पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब पाथ किसी भी पाथ के थ्रू प्रोसेस क्यों ना किया गया हो, जैसे ए पॉइंट से बी सी, अब ए बी एक तो पाथ है ए से बी में गए, बी से सी में गए, या फिर ए से सी में गए, तो इस सी पॉइंट पर
किसी भी पर्टिकुलर टर्म या प्रॉपर्टी के लिए उसकी वैल्यू इस पर डिपेंडेंट नहीं होती कि वो किस पाथ के थ्रू सी तक वो पहुंचे हैं, ए से डायरेक्टली पहुंचे हैं या फिर ए से बी तक पहुंचे, फिर बी से सी तक पहुंचे। तो जो सी पर, सी स्टेट पर जो भी प्रॉपर्टी ऐसी एक्सप्रेस की जा रही है जो इसके पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन फिर क्या होते हैं? पाथ फंक्शन ऐसे इसका अपोजिट कंसिडर कर लेते हैं जिसमें विच द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ अडॉप्टेड इसके लिए आप हीट, वर्क, ये दो ऐसे किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी हो सकती है जो पाथ डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफरेंट एनर्जीज को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी, तो हीट, बेसिकली हीट क्या है? तो हीट जो ट्रांसफरेबल एनर्जी है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो एक एंड से दूसरे एंड में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है किसी ऑब्जेक्ट में, उसे हम कहते हैं हीट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इस हीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी ट्रांसफर है उसे हम कहते हैं हीट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, वो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होती है। तो हीट जिसे हम नॉर्मली क्यू से एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वर्क। वर्क कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्क आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हम वर्क डन पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी यूज करते हैं, जबकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हम द वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन, या फिर W इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू रखते हैं। ऐसा सिंस वी नो दैट V1 वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो पी वन वी वन पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। इससे ये V2 अपॉन V1 की जगह पर हम P1 अपॉन P2 प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए।
अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। यहाँ पे ई क्या है, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू क्या है हीट, डब्लू क्या है वर्क डन। तो किसी प्रोसेस में जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो हीट चेंज के फॉर्म में हो सकता है, वो वर्क डन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज के फॉर्म में हो सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द कन्वर्जन ऑफ वन मोल ऑफ कैल्साइट फॉर्म ऑफ CaCO3 टू एरागोनाइट फॉर्म ऑफ 0.21 किलो जूल। दैट मीन्स CaCO3 के दो फॉर्म है, एक है कैल्साइट फॉर्म और एक है एरागोनाइट फॉर्म। इन दो फॉर्म, कैल्साइट फॉर्म से एरागोनाइट फॉर्म में चेंज करने के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज क्वेश्चन में गिवन है, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना गिवन है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.21 किलो जूल। ठीक है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज व्हेन द प्रोसेस, व्हेन द प्रेशर इज 0.1 बार एंड द डेंसिटीज आर गिवन फॉर दीज टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 2.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है एंथैल्पी चेंज के लिए। तो एंथैल्पी चेंज अगर कैलकुलेट करना है तो जो रिलेशन है एंथैल्पी के लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, हमको फाइंड करना पड़ेगा प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है 0.1 दे रखी है। अच्छा, अभी हमको और क्या फाइंड करना है, इसमें डेल्टा वी फाइंड करना है। तो डेल्टा वी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों फॉर्म्स के लिए इसका जो मोलर मास है वन, इसकी जो क्वांटिटी कितनी गिवन है, वन मोल क्वांटिटी, वन मोल क्वांटिटी दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ CaCO3 और 100 ग्राम ऑफ CaCO3 डेंसिटी ऑलरेडी आपको गिवन है। तो वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए आप 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, फर्स्ट केस के लिए कितनी दी है 2.71, और जबकि इसके लिए दे रखी है इसका, इसकी भी क्वांटिटी जो मास होगा तो वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग 100 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2.93। तो इनके वॉल्यूम में ये पर्टिकुलरली चेंज आएगा। तो रिलेशन अप्लाई करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, तो ये किलो जूल में वैल्यू दे रखी है 2.1 इंटू 10^3 जूल में रख लेते हैं। प्रेशर दिया है 0.1 बार, डेल्टा वी दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो V2 माइनस V1 सॉल्व करेंगे इसको। V2 कितना है, अच्छा ये जो आपका वॉल्यूम निकल कर आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको अगर बाद में हमें अगर मीटर क्यूब में रखना है तो फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, इसके डिफरेंस में 2.93 माइनस 100 अपॉन ये रखेंगे।
अब देखिए यहां से इस तरफ से इस तरफ वॉल्यूम है जाने पर आपका जो वॉल्यूम है पहले 100 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में वॉल्यूम ये कम हो गया। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कम हो गया तो हम साइन हमारा कैसा होगा, ये कंप्रेशन होगा, तो साइन हमारा इस रिलेशन में पॉजिटिव रखना होगा। अच्छा, फिर अभी कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर एक बात और है, ये जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आएगा, तो उसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 10^-6 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस जब इसको सॉल्व कर लेंगे ओवरऑल, ये अब जो टोटल एनर्जी आएगी बार लीटर बार में आएगा, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 लीटर बार से अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 अप्रोक्सीमेट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर जूल से जूल में हमारी एनर्जी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अ गैस प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपैंड्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर। इन डूइंग सो इट एब्सॉर्ब 800 जूल हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनर्जी ये कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 800 किलो जूल। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आपको सिंपली अप्लाई करना है। डिटरमाइन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, तो हीट एब्जॉर्ब कितनी है, 800 जूल। अच्छा, सिलेंडर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है एक्सपैंड, इसका वॉल्यूम जो वर्कडन है उसको कैलकुलेट करेंगे हम पी डेल्टा वी से, और कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू 6 लीटर। तो फिर 800 प्लस प्रेशर कितना दिया है 1, वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर से 6 लीटर, दैट मीन्स वी टू माइनस वी वन टू, तो 800 प्लस 4, ये लीटर एटीएम में आएगा एनर्जी। इसको भी जूल में ही एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का केस है, तो यहां पर हमें जो इसका साइन लेना चाहिए वो कैसा लेना चाहिए, नेगेटिव। तो 800 माइनस 4 लीटर एटीएम को चेंज कर लेते हैं जूल में, 101.3 से मल्टीप्लाई करके फाइनली ये हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो एक किस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन हो जाता है अपना, सारे क्वेश्चन ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट क्यू क्यू डब्ल्यू डी ई एंड, ये डेल्टा ई है और डेल्टा एच है, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच यानी इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इंथैल्पी चेंज फॉर द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम इनिशियल प्रेशर 1 bar टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 0.1 bar। आपको कैलकुलेशन करनी है, वर्कडन की कैलकुलेशन करनी है, क्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, वर्कडन कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला कौन सा जो प्रोसेस है पहले वो देख लेते हैं। तो प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो भी हम लोग ने बात की थी फॉर्मूला क्या होगा, -2.303 nRT log। अब इन टर्म्स ऑफ यहाँ वॉल्यू प्रेशर वैल्यूज दी गई हैं, तो प्रेशर के फॉर्म में हम रखेंगे तो P1 अपॉन P2, तो W इज इक्वल टू -2.303। नंबर ऑफ मोल्स गैस के कितने हैं, तो 1 मोल है, 1 मल्टी आर की वैल्यू जूल में कितनी होती है, तो 8.314। टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना गिवन है, 273 के लॉग। प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना था, तो इनिशियल प्रेशर 1 bar से फाइनल प्रेशर कितना है 0.1, तो 1/0.1 रख लेते हैं। इससे कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो ये आपका ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेशन हो जाएगा। अब
इसके बाद हमें फाइंड करना है कि क्यू वैल्यू क्या होगी। तो क्यू वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करेंगे या डेल्टा ई वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा ई दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं क्यू के लिए। सिंस वी नो दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू फाइंड करने के लिए यानी कि हीट चेंज फाइंड करने के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज जो कि ऑलरेडी आप जीरो एक्सप्रेस कर चुके हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई हमारा कितना है, टेम्परेचर चेंज नहीं है इसलिए जीरो। तो जो वर्क डन हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वही इसकी क्यू की वैल्यू होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी अप्लाई करेंगे। तो जब डेल्टा पी वी अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल यहां पर जब प्रेशर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू की वैल्यू जीरो रहेगी। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज ऑलरेडी जीरो था, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज भी जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक इस क्वेश्चन में देखिए, एन इंसुलेटेड कंटेनर, तो जैसे ही इंसुलेटेड वर्ड देखते हैं तो दैट मीन्स आपको क्या, इंसुलेटेड कंटेनर दैट मीन नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, तो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी जीरो। तो एज इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पोर्शन, ओके ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वन पोर्शन कंटेन्स एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी व्हाइल द अदर पोर्शन इज परफेक्ट वैक्यूम। ठीक है, इफ अ होल इज ओपन बिटवीन टू पोर्शंस कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज आपको फाइंड करना है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज और क्या फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अब यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है इन वैक्यूम, यानी कि जो वर्क डन है, अगर पर्टिकुलरली वर्क डन की बात करें तो पी डेल्टा वी की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि इन वैक्यूम अगर एक्सपेंशन किसी गैस का हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसका प्रेशर, वहां पर प्रेशर एप्लीकेबल, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो जीरो है, कुछ में प्रेशर कुछ लग ही नहीं रहा क्योंकि गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही है। तो वर्क डन इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इंसुलेटेड कंटेनर होने की वजह से क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर इंसुलेटेड कंटेनर, फॉर इंसुलेटेड कंटेनर। अच्छा, वर्क डन, अभी वर्क डन अभी आपने फाइंड किया वो भी जीरो था, तो अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो ही होगा। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो नहीं रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर चेंज इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 एटीएम आर सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन टू अ प्रेशर ऑफ 1 एटीएम कैलकुलेट द वर्क डन। ओके, वर्क डन कैलकुलेशन करना है, लेकिन यहां पर एक बात देखना है कि कौन सा प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, रिवर्सिबल
एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। अच्छा, इसी प्रोसेस के लिए कुछ और भी रिलेशंस है, वो भी यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। तो जैसे एक तो पी वी गामा इज कांस्टेंट, दूसरा रख सकते हैं रिलेशन टी पी वन माइनस गामा टी गामा पी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन इसमें हम यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये 10 एटीएम प्रेशर पर आपको दिया गया है सब्जेक्टेड टू अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसके लिए आपको वर्क डन कैलकुलेशन करनी है। तो वर्क डन कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो क्वांटिटी दे दी गई है कितनी 14 ग्राम। R की वैल्यू आपको पता है 8.314 रख लेंगे। गामा की वैल्यू इसमें 1.4 दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, T1 टेम्परेचर इनिशियली कितना दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको टेम्परेचर फाइंड करना होगा, T2 टेम्परेचर फाइंड करना होगा। तो T2 पी T1 T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू गामा माइनस वन। ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। अब जब ये रिलेशन अप्लाई करेंगे जिससे आपको इसके टेम्परेचर T2 की वैल्यू पता चल जाएगी, और जब T2 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो ये वैल्यू आप यहां पर प्लेस कर लेंगे। तो जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने के मैंने क्वेश्चन में 14 डिवाइडेड बाय 32 ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन गैस गिवन है। R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर T2 यहां से फाइंड करेंगे, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 डिग्री सेल्सियस। तो बस इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंडिंग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 300 के ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब आइसोथर्मली अंटिल द वॉल्यूम बिकम्स 25 डेसीमीटर क्यूब। तो बस सिंपली ये तो इसमें आपको मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए पी डेल्टा वी सिंपली अप्लाई करना है। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रेशर, जबकि प्रेशर इसमें आपको 16 ग्राम क्वांटिटी, इसको डेल्टा एन आर टी से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एन आर टी। वॉल्यूम पहले कितना दिया था 5 डेसीमीटर क्यूब, और बाद में कितना वॉल्यूम हो गया 25 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप पहले प्रेशर फाइंड करेंगे। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए आप क्या सिंपली अप्लाई करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी प्रेशर। वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में, इनिशियली 5 डेसीमीटर क्यूब था, 5 लीटर ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 16 डिवाइडेड बाय 32, आर की वैल्यू 8.314, इसमें अगर आइडियल गैस इक्वेशन में रख रहे हैं तो इसको रख लेते हैं 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में 300 के, तो इससे आपको प्रेशर पता चल जाएगा। जब प्रेशर पता चल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, पी डेल्टा वी अप्लाई करेंगे। डेल्टा वी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 25 वॉल्यूम से
वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन का साइन नेगेटिव रख लेते हैं। 5 प्रेशर आप इधर से फाइंड कर लेंगे, जब ये प्रेशर कैलकुलेशन हो जाएगा तो फाइनली आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस बच्चों यहीं से आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा और इसमें नई नई कुछ और नई प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।